हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं देखिए एक छोटा सा क्लिप लेकर आई हूँ। ये चैती छठ जो होता है, चैत में भी छठ होता है, एक कार्तिक में भी छठ होता है। तो कार्तिक में तो ज़्यादा लोग छठ करते हैं, लेकिन चैत में भी करते हैं, इनका बहुत मान्यता है। छठ बहुत अच्छा पर्व है। तो ये इसका देखिए छोटा सा एक क्लिप दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये सूरज भगवान के हैं, और मतलब कि सूरज भगवान है, अर्घ दे रहा है। ये बहुत अच्छा मूर्ति बना हुआ है सूरज भगवान के। ये छठ का वीडियो है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इधर अर्घ देने के लिए सर पर जो रखते हैं, ये फ्रूट रहता है सूप में, वो सब दिखा रहा है। ये फ्रूट है सारे छठ का। ये बहुत मान्यता है, भगवान को जो मांगते हैं वो मतलब बोलते हैं कि मन्नत पूरा होता है। पूरे श्रद्धे से सब पूजा करते हैं छठ में। और देखिए घाट पर ये गंगा जी हैं, वहाँ पर सब पूजा करने के लिए गए हैं। छठ छठ यहीं पर होता है, पानी में जाके हाथ पर सूप लिया जाता है, और सूप में सारा फ्रूट और वो पकवान रहता है, चावल चावल का आटा का लड्डू रहता है, यही सब रहता है, और फ्रूट बहुत तरह के रहता है। और स्टार्टिंग होता है संजत से, फिर लोहंडा होता है नाइट में 2 दिन, फिर जो अर्घ पानी में देते हैं सूरज भगवान को, वो शाम को स्टार्ट होता है। हाथ पर सारे सूप में फ्रूट लेकर पानी में खड़ी होते हैं, भगवान का आराधना करते हैं सूरज भगवान का, और फिर समाप्त हो जाता है कल हो के मॉर्निंग में। तो छठ भगवान का बहुत मान्यता है, सूरज भगवान का पूजा होता है। कार्तिक वाला तो छठ सभी के घरे घर होता है, सभी के घर में होता है। ये चैत वाला छठ कम लोग करते हैं, लेकिन दोनों एक ही भगवान है, मान्यता दोनों का बहुत है। तो देखिए बहुत सारे लोग घाट पे आ गए हैं, सब अर्घ देने के लिए आए हैं, और सब बहुत सारे देखने वाले भी हैं। और देखिए छोटा सा एक क्लिप पार्क के वीडियो, ये है शाम का टाइम पार्क आए थे, तो यहाँ पर सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बच्चे सभी एंजॉय कर रहे हैं। ये पार्क वाली वीडियो कुछ दिन पहले की है। और एक इधर पराठा बना रहे हैं, तो सोचे कि छोटा सा एक ब्रेकफास्ट की क्लिप भी शेयर कर देती हूँ। पराठे बना रहे हैं, तो पराठे तो बना रहे हैं, पहले घी लगा दिए, फिर उसको फोल्ड करके फिर से घी लगा दिए, तो ये सॉफ्ट रहते हैं पराठे, खाने में बहुत टेस्टी रहता है। ये ब्रेकफास्ट में खाइए या लंच में ले जाइए, सॉफ्ट रहता है। अभी गर्मी का मौसम आ गया तो पराठा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बाहर भी ले जाने में, चाहे सुबह में भी ब्रेकफास्ट में भी खाइएगा। तो घी लगा के 2 बार इसको फोल्ड कर दिए हैं, और इसको पराठे आकार में दे दिए हैं। आपको मन है तो दूसरे आकार भी दे सकते हैं। और तवा पर घी दे दिए, और उसके ऊपर से पराठा डाल देती हूँ, फिर पराठा बना लेती हूँ। उसके बाद इसको मंचूरियन के साथ फिर सर्व करूँगी, और दूसरा पराठा भी बेल लेती हूँ। पराठा निकाल लिए, और दूसरा पराठा भी बेल लिए हैं, बेल के फिर तवा पर डाल देती हूँ। तो ये पराठा खाने में, इस तरह के पराठे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मी का मौसम है, जल्दी ये सूखता भी नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। घी लगा के दोनों साइड पलट लिए हैं। तो आप सब लोग सोच रहे हो कि सिर्फ पराठा दिखा रही है, पराठे के साथ और कुछ नहीं, क्या खाएगी? पराठे के साथ मंचूरियन है, मैं मंचूरियन बाहर से मंगाई थी, मंगाई भी हूँ, बनाई भी हूँ 1-2 बार, लेकिन बनाने का नहीं मन कर रहा था, खाने का मन हो रहा था बच्चे को बड़े को, तो मैं मंचूरियन बाहर से मंगा ली। तो वो ऑफिस से आए तो मंचूरियन उधर से लेकर ही आए हैं। देखिए मंचूरियन अभी ये पराठे के साथ सर्व कर लेती हूँ, बनाई भी हूँ, इसका लगता है शायद वीडियो भी डाली हूँ या नहीं डाली, नहीं याद है। मंचूरियन और पराठे और स्वीट था वो ब्रेकफास्ट में दे दिए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मंचूरियन और पराठे और स्वीट। तो एक छोटा सा ये क्लिप
ब्रेकफास्ट का भी आप सबके साथ शेयर कर दिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।